तिथियों का लाभ लेना ना भूलें। 27 मार्च सोमवती अमावस्या सुबह 10:45 से 28 मार्च सूर्योदय तक इस दिन किया गया जप व ध्यान कई गुना फलदायी होता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता मिट जाती है। 28 मार्च गुड़ी पड़वा पूरा दिन शुभ मुहूर्त है, आप कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। 2 अप्रैल रविवारी सप्तमी दोपहर 3:16 से 3 अप्रैल सूर्योदय तक इस समय किया गया जप तप व ध्यान कई गुना फलदायी होता है। 7 अप्रैल कामदा एकादशी, इस व्रत से ब्रह्म हत्या आदि पापों का पिशाचत्व आदि दोषों का नाश होता है। 19 अप्रैल बुधवारी अष्टमी सूर्योदय से 20 अप्रैल प्रातः 4:07 तक इस समय किया गया जप तप व ध्यान कई गुना फलदायी होता है।